जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ की एक नई भर्ती आ चुकी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह में वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि सीआरपीएफ की एक नई भर्ती आई हुई है, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली है, कितने पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो भर्ती निकाली गई फ्रेंड्स वॉक इन इंटरव्यू के तहत जो आया है, तो इसमें जो है आप लोगों का सीधी भर्ती होने वाली फ्रेंड्स है केवल इंटरव्यू के माध्यम से। तो आप लोग इंटरव्यू में जो है वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, आप लोग वहाँ पर इंटरव्यू में कौन सा फॉर्म फिलअप करके ले जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे इस चैनल पर इंडियन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी विद प्रूफ के साथ सबसे पहले दी जाती हैं। तो हम लोग चलकर देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को ऑफिशियल पीडीएफ पर आ चुका हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू इन सीआरपीएफ यहां पर दिया गया है, जिसके तहत भर्ती यहां पर निकाली गई। फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली गई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, नर्सिंग और यहाँ पर सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आप लोगों का जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंटरव्यू किस डेट को होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, 17/8 यानी कि 17 अगस्त से लेकर जो है आप लोगों का 20 अगस्त के बीच आप लोगों का इंटरव्यू चलने वाला है। फ्रेंड्स, इन 3 दिनों में आप लोगों को जो है इस एड्रेस पर पहुंचकर अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। यह चूंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती में जो है भाग ले सकते हैं, यानी कि आप लोग भारत की किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप लोगों को जो है इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों को इस एड्रेस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोगों को जो है चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, यहां पर अलग अलग जगह आप लोगों का कैंप नहीं लगाया जाएगा, आप लोगों को इंटरव्यू देना हो यदि आप लोगों, तो इस एड्रेस पर आप लोगों को जाना होगा, ठीक है। ये एड्रेस आप लोगों को दिया गया फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है यहाँ पर इस डेट्स को जो है वहाँ पर पहुँच कर जो है वहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके एकदम आ जा रहा हूँ फ्रेंड्स और आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसमें आप लोग इसका टर्म कंडीशन दिया गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं नीचे उसके बाद आ जा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि वेल अपेयरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू कैंडिडेट शुड ब्रिंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फोटो कॉपीज, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, डिग्री, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग जो आधार कार्ड हो गया, जो कि आप लोगों को लेकर जाना अत्यंत आवश्यक है, या फिर आधार कार्ड के अलावा भी आप लोगों के पास कोई भी और प्रूफ है आप लोगों को जो है, तो उसको भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने यदि हाई स्कूल किया हुआ है तो हाई स्कूल भी लेकर जाएंगे, हाई स्कूल के यहाँ पर मार्कशीट ले जाएंगे। आप लोगों के पास एज प्रूफ का कोई और जो है जो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग जो आए हैं हाई स्कूल के मार्कशीट को ही एज प्रूफ के तौर पर जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यदि कोई जो है ऐसे पद पर जो है आप लोग अप्लाई करते हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वहाँ पर भी आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, या फिर आप लोग कोई ऐसे पद पर जो है पोस्ट करते हैं जिसमें डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये चीज़ लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यहाँ पर देखते अप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, अप्लीकेशन इन प्लेन पेपर यहाँ पर दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट अपे यानी कि किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, इसके लिए आप लोगों को जो है एक सादा पेपर ले लेना है, यानी कोरा कागज आप लोगों को ले लेना है, उसमें वहां पर आप लोगों को कोरे कागज में लिखना पड़ेगा कि किस पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ उस जो है आप लोगों को जो है जितने भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट है उसके एक एक कॉपी लगाना पड़ेगा है। उसके अलावा आप लोगों को जो है 5 पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसका एक छोटा सा रिज्यूम बनवा लेना, ठीक है, या फिर आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को रिज्यूम कैसे बनाते हैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये थे आप लोगों को जो है सीआरपीएफ में सीधी भर्ती में जो है डायरेक्ट इंटरव्यू में जाने के लिए आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, वहाँ पर क्या फॉर्म फिलअप करना है। आप लोगों को फॉर्म कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ऐसा इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं कहा हुआ। यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा कहा हुआ है कि आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए एक जो है सादा पेपर ले लीजिए, कोरा कागज है, उस पर अपना जो है पोस्ट लिख देना कि किस पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करते हैं, उसके पीछे जो है आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट को वहां पर लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को 5 जो है फोटोकॉपी लेकर जाना है। यहां पर इन्होंने यह भी नहीं कहा हुआ कि आप लोगों को जो है कोई रिज्यूम लेकर आना पड़ेगा, लेकिन आप लोग रिज्यूम यदि लगा लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो है बेटर रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि इस भर्ती संबंधित अभी भी आप लोगों
मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम लोग नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।